बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माई लॉर्ड इनक्रीज माई नॉलेज। बेटा ओपन पेज नंबर 34। वी आर ऑन पेज नंबर 34 बेटे। टुडे वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ऑफ टेस्ट बाय द मिरेकल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। How much money did Dr. Armstrong take from Andrew's parents for the operation? Why? Dr. Armstrong ने Andrew के parents से कितनी money ली थी और क्यों? The answer is nothing, because he knew that Andrew's parents had no money. उन्होंने कोई money नहीं ली थी क्योंकि वो जानते थे कि Andrew के parents के पास पैसे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे। डू यू थिंक टेस न्यू दैट द ऑपरेशन कॉस्ट मच मोर देन हर $1.11? क्या आप ये समझते हैं कि टेस को पता था कि ऑपरेशन की कॉस्ट उसके $1.11 से कहीं ज़्यादा है? नो, बिकॉज शी थॉट दैट हर मनी वॉज वेल इनफ फॉर द ऑपरेशन। वो ये समझती थी कि उसके जो पैसे हैं वो ऑपरेशन के लिए बहुत इनफ हैं। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, लर्न टू रीड टू। क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग सेज $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस फॉर अ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। व्हाई डिड ही से दैट इट वाज द एग्जैक्ट प्राइस? डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने कहा था ना कि $1.11 ये बिल्कुल एग्जैक्ट मनी है आपके भाई के लिए मिरेकल लेने के लिए, तो उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया था एग्जैक्ट प्राइस का? बिकॉज ही न्यू दैट टेस हैज नो मोर मनी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि टेस के पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू थिंक ऑफ 5 वर्ड्स ईच टू डिस्क्राइब टेस एंड डॉक्टर आर्मस्ट्रांग? द 5 वर्ड्स फॉर टेस आर ब्रेव, बिलीवर, सेल्फलेस, इनोसेंट, ऑनेस्ट। है ना बेटे? वो ब्रेव भी थी, वो बिलीव भी करती थी कि जितने पैसे उससे मिरेकल आ जाएगा। वो सेल्फलेस भी थी, उसने अपने लिए पैसे जमा किए हुए थे लेकिन अपने भाई के लिए देने चली गई थी। वो बहुत इनोसेंट थी ना, उसको नहीं पता कि मेरे पास ये पैसे इतने नहीं हैं। वो ऑनेस्ट थी, उसने कहा मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के लिए क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? ही वॉज काइंड, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, जेनरस एंड इंटेलिजेंट। है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको ये पैसे कम हैं और मैं अपने पैसों से इलाज कर दूंगा। नहीं, वो इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा ओके, दिस मनी इज़ द एग्जैक्ट प्राइस फॉर अ मिरेकल। और जेनरस थे, उन्होंने ऑपरेशन खुद से किया, काइंड थे, केयरिंग थे। ओके बेटा, नाउ बेटा कम टू पेज नंबर 39। हेयर द एक्सरसाइज वी आर डूइंग इज लर्न स्पेलिंग, राइट टूडेज डेट ओवर हेयर। बिलो इज़ अ पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी, इट हैज 7 स्पेलिंग एरर्स, स्पॉट देम एंड करेक्ट देम, चेक योर आंसर्स विद द टेक्स्ट इन द स्टोरी। एक हमें पैराग्राफ दिया हुआ है बेटे और इसमें 7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनको करेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स। पर्स इज द रॉन्ग स्पेलिंग। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पर्स? इज PURSE। एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। द केमिस्ट, द स्पेलिंग ऑफ केमिस्ट इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? CHEMIST। बट डिडंट पे एनी अटेंशन, द स्पेलिंग ऑफ अटेंशन इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? ATTENTION। ओके, व्हेन चेस कंटिन्यूड, स्पेलिंग ऑफ कंटिन्यूड इज रॉन्ग। करेक्ट स्पेलिंग इज विद सिंगल एन। टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, द स्पेलिंग ऑफ काउंटर इज रॉन्ग। द करेक्ट स्पेलिंग इज CONTER। ही सेड टू हर, साउंडिंग रादर एनवाइड। द स्पेलिंग ऑफ एनवाइड इज रॉन्ग रिटन, ANOYEG। वॉट डू यू वॉन्ट? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रादर हु हैज जस्ट अराइव्ड। अराइव्ड स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट्स ARRIVED फ्रॉम शिकागो। ओके बेचे, नाउ बेटा डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक वाइल द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू हैव टू डू इन योर कॉपी। डू दिस वर्क नाइटली, नाइसली एंड नीचली। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।